तो आज हम बात करेंगे फोटोशॉप से डबल फ्रेम वीडियो को कैसे एडिट करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो को ओपन करेंगे फाइल्स में, जैसे ये वीडियो है तो इसे हम राइट क्लिक करके फोटोशॉप में इंसर्ट करेंगे, ओपन विद एडोब फोटोशॉप। तो ये सक्सेसफुली हमारी फोटोशॉप में एंटर हो चुकी है वीडियो। उसके बाद ये वीडियो ग्रुप वन दे रखा है, इसके सामने हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू वीडियो ग्रुप इस पर जाएंगे, जाने के बाद ऊपर जो प्लस का चिन्ह बना है इस पर ओके करेंगे और दूसरी वीडियो को इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो ये वीडियो देखिए इस वीडियो के ऊपर आ चुकी है, तो हम इस वीडियो को एडजस्ट कर लेंगे ऊपर स्क्रीन में। इस नोटिफिकेशन को हम फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम इसे एडजस्ट करेंगे दोनों साइड ऊपर नीचे। ऊपर तो सही है और इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे फेस से, तो ये पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्ले पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे नीचे मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार ऊपर स्क्रीन चेंज हो रही है, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से बैनर्स और कुछ फोटोज़ रन हो रही हैं स्लाइड शो। तो दोनों फ्रेम हमारे सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को यहाँ ये शेयर जैसा कुछ बना हुआ है चिन्ह सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वीडियो का नाम चेंज करके रेंडर पर क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होने लगी है। तो इस प्रकार हम डबल फ्रेम वीडियो को फोटोशॉप में एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं।